मुखिया कविता देवी के नेतृत्व में मनरेगा के तहत बनने वाली खेल मैदान का भव्य रूप से किया गया भूमि पूजन। रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हिसल पंचायत के काजू बगान स्थित खिजूर गढ़ी में मंगलवार को हिसल पंचायत मुखिया कविता देवी के नेतृत्व में मनरेगा के तहत बनने वाली खेल मैदान का भव्य रूप से ढोल नगाड़े के साथ भूमि पूजन अनगढ़ा प्रमुख दीपा उरांव एवं हेसल मुखिया कविता द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर संयुक्त रूप से कुदाल चलाकर किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राम कुमार पहान, विशिष्ट अतिथि अनगढ़ा प्रमुख दीपा उरांव, जिला परिषद अनगढ़ा अनुराधा मुंडा, ग्राम प्रधान उमेश कुमार बड़ाइक उपस्थित रहे। पूर्व विधायक ने अपने वक्तव्य में कहा कि हेसल मुखिया के नेतृत्व में खेल मैदान का निर्माण ऐतिहासिक कदम है। यह मैसेज तमाम प्रतिनिधियों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। खेल मैदान मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। कार्यक्रम का सुचारू रूप से संचालन राजद नेता मुस्तफा अंसारी तथा कार्यक्रम का समापन जगन्नाथ महतो ने किया। सोना न्यूज अनगढ़ा से बबलू मुस्ताक की रिपोर्ट। मनरेगा के तहत 2 एकड़ भूमि का जो शिलान्यास किया गया है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं आज हेसल पंचायत के तेज तरार मुखिया कविता देवी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस उम्मीद और जिस उमंग के साथ हेसल पंचायत के जनता ने उनको वोट देकर मुखिया बनाया और उसको, चूँकि हेसल गांव में हेसल पंचायत के अंतर्गत ऐसा कोई भी खेल का मैदान नहीं था, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनरेगा के माध्यम से उन्होंने खेल मैदान का यहाँ पर स्वीकृति करवाया। और पिछले ही जब हम विधायक थे उस समय भी हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ पर भिजवाए थे मैदान के लिए, लेकिन नहीं बन पाया था। आज उस अधूरा कार्यों को उन्हें अपनी तत्परता को देखते हुए आगे बढ़ाया। आज खेल मैदान का अति महत्वपूर्ण है, यार इस मैदान को तो और महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये मैदान रिंग रोड के किनारे है और एक संघन आबादी का क्षेत्र के बीच में पड़ता है। इसीलिए खेल का मैदान होने से आज राज्य सरकार का, चाहे आर्मी का नौकरी हो, पुलिस का नौकरी हो, चाहे केंद्र का सीआरपी का नौकरी हो, चाहे जो भी नौकरी हो, जिसका शारीरिक स्थिति मजबूत होता है तो शारीरिक के साथ साथ उनका मानसिक स्थिति भी मजबूत होता है। इसलिए खेल बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिनों में आप सब लोग जानते हैं कि आज बीमारी का घर हो गया है, आज सब लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, और अगर खेल के मैदान होने से अगर सुबह लोग व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे इस मैदान में, तो बीमारी भी दूर हो जाएगा। इसलिए इस मैदान में सभी तरह का जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए मैं विशेषकर मुखिया जी को और यहाँ के तमाम लोगों को, ऐसे मुखिया को लोगों ने चुना, उनको भी मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। भूमि पूजन किया गया है, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। ये खेल मैदान का शिलान्यास हुआ है जो, तो आइए आज हम मिलते हैं, जानते हैं फुटबॉल मैदान का जो भूमि पूजन किया गया है, खेल मैदान ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। आने वाला दिन में ये बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा और हमारे प्रखंड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि यहाँ के युवाओं के लिए ये खेल का मैदान हमेशा योगदान साबित होगा और वो अच्छे बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे, अपना प्रैक्टिस यहाँ पे अच्छा से करेंगे और अच्छा खेल के माध्यम से वो देश विदेश में भी अपना नाम रोशन करेंगे, अपना प्रखंड और अपना जिला का भी और राज्य का भी नाम रोशन करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ में ये आज यहाँ पर फुटबॉल मैदान का भूमि पूजन किया गया है और इतना ही बस। आज जो भूमि पूजन किया गया है सर, आप इसमें अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं, आप थोड़ा सा इसके विषय में बताइए। आज जो भूमि पूजन जो हेसल मौजा में कविता मैडम के जो मुखिया है अनगढ़ा प्रखंड, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इतना बड़ा जो मनरेगा के तहत योजना जो आ रहा है, जो आज युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तो खेल खून तो होना ही चाहिए, खेल खून में बहुत आगे तक निकलता है युवाओं, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। चलिए मैडम, आज जो खेल मैदान का जो भूमि पूजन किया गया, इसके विषय में बताइए मैडम जी। आप सभी को जोहार, मेरा नाम कविता देवी और मैं हेसल पंचायत की मुखिया हूँ। आज यहाँ पे खेल मैदान को लेकर के शिलान्यास किया गया, जिसमें बहुत सारे अतिथिगण भाग लिए, अपना मुख्य समय दिया और खेल मैदान के साथ साथ हमारे जो पश्चिमी के जिला परिषद है उन्होंने जीम का भी बात रखी है,
हमको लगता है कि अगर उनका सहयोग रहा तो जिम का भी हम लोगों का इस मैदान में हो सकता है। यही कह के मैं अपने वाले को जोहार, मैं अनुराधा मुंडा, अनगढ़ा पश्चिमी से जिला परिषद। आज हेसल पंचायत में जो भूमि पूजन हुआ है ये बहुत भव्य रहा और मैं इस पंचायत के मुखिया को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इनकी वजह से आज ये आयोजन हो पाया। और मैं उम्मीद करूंगी कि इस पंचायत और अगल बगल जितने भी पंचायत हैं यहाँ के छात्रों को खेलने का मौका मिलेगा, यहाँ पर आकर के वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे। और ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि मैदान के अभाव के कारण छोटी सी जगह पे अपना प्रयास करते थे, लेकिन अब ये उचित होगा हम सभी बच्चों हमारे बच्चों के लिए कि यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करेंगे। और जो भी खेल में अपना रोजगार बनाना चाहते हैं वो यहाँ से अपनी शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जोहार।